डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का चैप्टर थ्री है, मैथ है ये क्लास सिक्स का, और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है प्लाइंग विथ नंबर्स। तो नंबरों के साथ हमें खेलना है, मतलब इसमें कुछ मैथमेटिक्स दिया हुआ है नंबरों का, तो इसको जो हमको बनाना है। तो इसके बारे में थोड़ा पहले इसको जान लेंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार का मैथ हम लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लास फाइव का मैथमेटिक्स चैप्टर फाइव में ही दिया हुआ है, और उस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसमें दिया हुआ है। तो उस चैप्टर का मैंने कोई एक्सरसाइज वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन एक इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बनाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और इससे रिलेटेड वीडियो है, तो अगर उसको समझ जाते हैं तो इसको बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है फैक्टर, तो मैं आपको थोड़ा इसमें फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो किसी नंबर का फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को पूरी तरह से काटता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको काफ़ी बेहतर समझने के लिए। ये 24 दिया हुआ है, तो ये 2 से कटता है और 12 से कटता है, ये दोनों जो है 24 का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर किस किस नंबर से कटता है तो उसको उसका फैक्टर बोला जाता है। फैक्टर 1 से शुरू होता है और उसी नंबर पर आके समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया। उसके बाद मल्टीपल्स दिया हुआ है, तो किसी भी नंबर का अगर आपको कहा जाए कि मल्टीपल्स लिखना है तो आप समझिए कि मल्टीपल्स टेबल होता है उस नंबर का टेबल। जैसे 3 का ये मल्टीपल्स यहाँ पे वी से दैट द नंबर्स 3, 6, 9, 12, 15 और ये चलता रहेगा। तो ये 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर बता रहा है कि आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स में टेबल लिखा जाता है, तो वो एंडलेस तक चलेगा और उसी नंबर से शुरू होता है जिसका मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं। और फैक्टर में क्या होता है, वो 1 से शुरू होता है और जिसका हम फैक्टर निकालते हैं वो उसी नंबर पे आके समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ, और हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया जा रहा है वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ 16, 16 का फैक्टर्स क्या होगा, तो दे आर 1, 2, 4, 8, 16, और 16 पे आके समाप्त होता है। तो ये इसका लिमिट होता है, इतने ही तक आके समाप्त हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल्स जो होता है वहाँ से शुरू होगा और वो चलता रहेगा। इस तरह से ये कुछ इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो वो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। उसको मल्टीपल्स होता है, जैसे कि ये 5 का मल्टीपल्स है, तो 5 के बराबर हुआ फर्स्ट वाला, उसके बाद वो चलता रहेगा जो उससे बड़ा होगा। तो संभवतः आप लोग इसको बेहतर ढंग से जानते होंगे, और जैसे हम लोग इसको इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर और क्या हम लोग इस चैप्टर में मिलने वाला है, एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल्स का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आपको मैं इसी वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा मैं। और इसके अलावा प्राइम और कंपोजिट नंबर आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और 2 का फैक्टर 2 फैक्टर होता है, 1 होता है और 2 होता है। तो जिसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2 हो गया, इसका 2 फैक्टर है, 3 का 2 फैक्टर है, 4 का 3 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 का 2 फैक्टर है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। इस तरह से हम लोगों को पता चलेगा जिसका 2 फैक्टर है उस वो जो है प्राइम नंबर है, और 2 से जिसका ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये चार्ट दिया हुआ है और इसमें लिस्ट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एज शोन बिलो, यहाँ पर दिखाया गया है 1 से 100 तक का जो नंबर है उसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दिखाया गया है। तो जितने भी सर्कल किया गया है वो प्राइम नंबर है, और जिसको क्रॉस किया गया है वो कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। तो 1 ना कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, ये यूनिक नंबर कहा जाता है इसको। उसके बाद ये 2 जो है सिर्फ यही एक नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, और बाकी सब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड प्राइम नंबर होते हैं, सारे ऑड ही होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स मैंने जो आपको बताया क्लास फाइव का चैप्टर फाइव का जो वीडियो बताया मल्टीपल फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर, तो उसमें मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स के बारे में बताया हुआ है। तो कई सारे रूल्स इसके होते हैं, कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा इसके बारे में दिया हुआ रहता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 10, तो कोई भी बड़ा सा नंबर रहे और उसको बिना डिवाइड किए हमको पता करना है कि वो कैसे
वो 10 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो उसका रूल्स क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इफ़ ए नंबर हैज़ जीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है तो वंस प्लेस पे अगर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो वंस प्लेस पे अगर जीरो है तो हम लोग समझ लेंगे कि वो 10 से डिविजिबल है, वो कट जाता है। उसके बाद 5 से डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो इसके लिए यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है, इधर 0 और 5, अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 हो, यहाँ पे 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, इस तरह से, तो हम लोगों को पता चल जाए कि वो 5 से डिविजिबल है। अगर वैसा नंबर नहीं है तो फिर पता चल जाए कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 1750125, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 2 से दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, तो इसका नियम ये होता है कि उसके वंस प्लेस पे जो भी नंबर दिया हुआ है उसके वंस प्लेस पे इवेन नंबर होता है या जीरो होता है, तो जीरो इवेन नंबर में ही आता है। तो अगर इस तरह का नंबर होता है, जैसे यहाँ इवेन है, यहाँ इवेन है, यहाँ इवेन है, इस तरह का नंबर होता है, तो समझ लेना है कि वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसका रूल्स लिखा हुआ है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वन प्लेस। इसमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस पे रहे तो समझ जाना है कि 2 से वो डिविजिबल है। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, तो इसको मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं, या मैं शॉर्टकट बतला देता हूँ और मैं आपको इसका एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे 3, 21, 27, 36 ये सब डिविजिबल नंबर है इसका, तो कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, 2 + 1, ये 21 दिया हुआ है, तो 2 + 1 कर दिया, इसको नंबर को जोड़ दिया तो 3 आ गया, और 3 का टेबल में आता है, इसीलिए 21 3 से डिविजिबल है। 36 3 और 6 को ऐड कर दिया, 9 आ गया, तो 9 3 का टेबल में आता है। इस तरह से हम लोग उसको ऐड नंबर को ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि अगर 9 के टेबल में जो नंबर है वो नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद डिविजिबल बाय 6, तो 6 के लिए रूल्स ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 4, तो इसके लिए कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका लास्ट दो नंबर होता है, जो वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो अगर डिविजिबल है तो फिर पता चल जाएगा कि वो 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा 4 का एक डिविजिबिलिटी नियम ये है कि वंस और टेंस प्लेस पे अगर 2 जीरो है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 2 0 अगर होगा, तो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये नियम होता है किसी भी नंबर के अंत में वंस और टेंस प्लेस पे 2 0 होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8 दिया हुआ है, तो इसमें एक रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो होता है वंस, टेंस और 100, ये जो इस प्लेस पे जो नंबर होता है वो अगर तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। या फिर इसका एक रूल होता है कि लास्ट में 3 0 अगर है तो फिर वो 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद डिविजिबिलिटी 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 के जैसा ही 9 को भी उसको जानने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, और 9 के टेबल में जो नंबर आता है वैसा नंबर अगर ऐड करने के बाद आ जाता है तो फिर हम समझ लेते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है। बशर्ते याद रहे कि 9 से डिविजिबल के लिए 9 का टेबल में जो आता है वही नंबर चाहिए, ना कि 3 के टेबल में जो आता है वो नंबर। जैसे 3 के टेबल में 12 आता है, किसी नंबर को अगर ऐड करके हम 12 लाते हैं तो 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में 12 नहीं आता है। तो 9 के टेबल में जो नंबर आता है वही नंबर चाहिए। इस तरह से ये 9 का रूल काम करता है। इसके अलावा 11 का रूल्स दिया हुआ है, तो 11 के रूल्स में यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, और इसमें क्या होता है, इवन प्लेस नंबर और ऑड प्लेस नंबर, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस मतलब वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस छोड़ के 100 प्लेस पे, इस तरह से जो लिया जाता है, जैसे ये इसको लिया गया है 83 को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ बच गया इवन प्लेस पे सिर्फ ओनली 0 बच गया, तो ये 0 यहाँ रख दिया गया है, तो यहाँ पे 11 में से 0 माइनस किया तो फिर 11 आया, तो 11 के टेबल से कटता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में जो आता है वो नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ 11 आया है, यहाँ 0 आया है, यहाँ 22 आया है, तो 22 11 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, या फिर 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर अगर मिलता है तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि 11 से वो डिविजिबल है। इस तरह का ये रूल्स यहाँ पे काम करता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको सीख लेना है। एक्सरसाइज को हम लोग जब सॉल्व करेंगे उस वक्त आपका कन्फ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स दिया हुआ है और मल्टीपल्स भी दिया होगा, कॉमन मल्टीपल्स इस तरह से, तो इसमें आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे इसको तोड़ा जाता है, जैसे 24 को तोड़ा गया 2, 2 फिर 6 को फिर तोड़ा गया तो 2, 2
टू और थ्री, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही आएगा। तो इसको इतने भागों में, ये प्राइम नंबर में तोड़ा गया, ये सारे जो टू के जो आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से इसमें एक ट्री करके दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे ट्री को बनाया गया, फैक्टर ट्री जिसको बोला जाता है, यहाँ पे फैक्टर ट्री दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे उसके बाद इस चैप्टर में दिया गया है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, तो इसको निकालने का कई रूल्स होता है, अलग अलग मेथड होता है। तो इसको आप 5 क्लास में तो पढ़े हैं, इसमें भी रिपीट कर लेना है ताकि आपका याददाश्त जो है मजबूत हो जाए और आप भूलें ना इसको। इस तरह से HCF निकालने के लिए आपको इस चैप्टर में मिलेगा, और इसके अलावा LCM भी मिलेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इस इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में फिर बताया जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो दोनों में रिलेशनशिप बनाता हो। सम प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स भी मिलेगा जो HCF और LCM से रिलेटेड रहेगा। तो 3.7 जो है इस तरह का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको HCF और LCM का क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को इसका 3.1 बना के आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो हम लोग पेपर पे आते हैं बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे। ये एक्सरसाइज 3.1 है, NCERT का ये मैथ है, क्लास 6 ये है। और सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो भी नंबर्स दिया हुआ है इसका सभी फैक्टर्स को निकालना है। तो फैक्टर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तभी मैंने जैसे बताया कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जो उसको उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो मैं करके दिखलाता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक पेपर ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ए नंबर में दिया हुआ है 24। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये किस किस नंबर से कटता है। सबसे पहले 1 से शुरू होता है, 1 सब में रहेगा, 1 हो गया। उसके बाद ये 2 से कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 प्लेस पे इवन नंबर है 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 से ये कट रहा है 2। उसके बाद ये 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 4 और 2 अगर इसको ऐड करते हैं तो 6 होता है, और 6 3 का टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि 2 3 से कट गया। उसके बाद 4, तो 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 4 का टेबल में 4 6 24 होता है, तो इसका मतलब है कि ये 4 से कट रहा है। उसके बाद ये चला जाएगा 5 से, तो 5 से कटने वाला नहीं है, और 6 से, तो 6 4 24 होता है, तो ये 6 से भी कटेगा। उसके बाद 8 का टेबल हो गया, 8 का टेबल से कटेगा, ये 8 हो गया। उसके बाद यहाँ 3 से कटा है, तो ये 8 हो गया, और इसका 2 से कटा है, तो 2 से किस कितनी बार में कटा था, तो 12 12 2 जा 24 हो गया, तो ये हो गया। और 1 से कटा तो ये खुद आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि 24 का ये फैक्टर जो है, ये सारा फैक्टर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है 15, तो इसका फैक्टर जो है सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 और 2 से कटने वाला नहीं है, तो 3 से कटेगा, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 लेते हैं, और 6 7 8 9 10 किसी से भी नहीं कटेगा, और ये लास्ट में कटेगा 15, तो 15 पे आके ये समाप्त होगा, तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सी नंबर, तो सी नंबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि ये लंबा जाने वाला नहीं है, सी ये 21 दिया हुआ है, तो 21 किससे कटेगा, सबसे पहले 21 कटेगा 1 से, 2 3 3 से कटेगा, 3 का टेबल में आता है, और 3 का टेबल में कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो ये इसके बाद ये कटने वाला नहीं है, 4 5 6 7 में 7 3 जा 21 होता है, 7 से जाएगा, उसके बाद फिर और आगे जाने वाला नहीं है, तो ये लास्ट नंबर आ जाएगा 21, तो ये 21 इसका आंसर ये हो जाएगा, ये 21 का फैक्टर्स ये हो गया। उसके बाद डी नंबर में ले लेते हैं 27, तो यहाँ 27 दिया हुआ है इसका, तो 27 किससे कटने वाला है, 1 से, 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, और 3 से कटने वाला है, ये 3 4 5 6 7 8 9 9 से कटेगा, 9 3 7 27 हो गया, और इसके बाद लास्ट में ये कटने वाला और नहीं है, 27 ऑड नंबर है, तो ये 27 लास्ट जो है इसी से कटेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। फिर दिया हुआ 12, एक छोटा नंबर है, तो इसको यहीं पे ले लेते हैं, ई नंबर में 12,
सबसे पहले वन लिखेंगे, टू से कट रहा है ये तो टू लिखेंगे, फिर थ्री से भी कट रहा है, फोर से भी कट रहा है, फाइव से नहीं कटेगा, और सिक्स सिक्स से कट रहा है, उसके बाद नहीं कटने वाला है ये। थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व हो गया, और ये वन से जाएगा तो ट्वेल्व। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया। उसके बाद एफ नंबर में ट्वेंटी दिया हुआ है, ट्वेंटी तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, वन से कटेगा, टू से कटेगा, थ्री से तो कटने वाला नहीं है, फोर थ्री फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी होता है तो फोर से कटेगा, और फाइव से भी कटेगा क्योंकि फाइव फोर जा ट्वेंटी होता है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से कटेगा, टेन टू जा, उसके बाद और किससे नहीं कटने वाला है, ये टू से मिल गया इसका, और ये वन से फिर ट्वेंटी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जी एटीन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, जी एटीन का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, टू थ्री, उसके बाद फोर, फोर का टेबल में एटीन तो नहीं आता है, और फाइव सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन हो गया, तो ये इसका मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइन नाइन, और ये वन का हो जाएगा एटीन, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें जी एच, एच का क्वेश्चन ये है, ट्वेंटी थ्री, तो ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका फैक्टर कुछ भी आने वाला नहीं है, ओनली टू फैक्टर आएगा, तो जिसका टू फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर होता है वन, और इट्सेल्फ ये खुद रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है आई नंबर में 36 दिया हुआ है, तो 36 में काफ़ी सारे नंबर मिल जाएगा हम लोग को, किससे कटता है ये, वन से, टू से, थ्री सिक्स नाइन हो गया तो थ्री से, फोर से, फोर का टेबल में भी 36 आता है, फोर नाइन जा तो फोर से कट गया, और सिक्स से भी कटता है, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स सिक्स जा सेवन से नहीं कटेगा, एट से नहीं कटेगा, नाइन से कटेगा, ये नाइन का यहाँ पे मिल गया इसका, तो थ्री, तो थ्री से कितने बार में जा रहा है, ट्वेल्व बार में जा रहा है, ट्वेल्व हो गया, और इसका टू से कितने बार में जा रहा है, एटीन बार में जा रहा है, एटीन टू जा 36, और लास्ट में 36 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसका फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर टू, इस तरह से इसका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट फाइव और मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स होता है टेबल, तो इसका मल्टीपल्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ए नंबर में हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ फाइव, तो फाइव का मल्टीपल्स लेते हैं, तो फर्स्ट फाइव लिखने के लिए कहा गया फाइव तक, तो फाइव का टेबल फाइव तक लिखेंगे, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव, तो ये हो गया इसका आंसर, इतना ही लिखने के लिए कहा गया है इसलिए ये आंसर हो गया। उसके बाद बी नंबर में फिर मल्टीपल्स लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीपल्स ऑफ एट, तो एट का टेबल फिर फाइव बार लिखेंगे, एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू और फोर्टी, तो ये इसका हो गया आंसर। और सी नंबर में सी मल्टीपल्स ऑफ नाइन, तो नाइन का टेबल यहाँ पे लिख लेंगे, एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स और फोर्टी फाइव, ये फाइव फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हो गया इसका, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन तीन नंबर में क्या दिया हुआ है, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द आइटम्स टू कॉलम टू, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक साथ दिखने रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप हो गया है, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन थ्री का जो है सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ दिया हुआ है, और इसका मैच करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिक्स ऑप्शन दिया हुआ है, वन टू ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे सिक्स ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मिला लेते हैं, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव फैक्टर ऑफ थर्टी नहीं, मल्टीपल ऑफ नहीं, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ सेवन, तो थर्टी फाइव जो है मल्टीपल ऑफ सेवन, तो सेवन का टेबल में थर्टी फाइव आता है तो ये मल्टीपल ऑफ सेवन हो जाएगा, वन का बी हो जाएगा तो यहाँ पे हम वन लिख लेते हैं, ये वन इसमें मैच करेगा। उसके बाद फिफ्टीन हो गया, तो फिफ्टीन क्या है, फैक्टर ऑफ थर्टी,
तो 30 जो 15 से कट जाता है, तो 30 का फैक्टर हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, तो ये 2 जो है डी में आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद 16, 16 दिया हुआ है, तो 16 कहाँ पे जाएगा, 16 यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का टेबल में अगर हम लेते हैं 16, तो 8 का टेबल में आता है, तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा 16, 16 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये चला जाएगा यहाँ पे 3 नंबर, तो इसको यहाँ पे ये कर देते हैं, 3 नंबर लगा देते हैं, और ये हो गया 20, तो 20 कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 70, ये मल्टीपल ऑफ 70 मतलब 70 का टेबल चलने वाला है, तो 70 का टेबल यहाँ काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ बड़ा नंबर तो है नहीं, तो यहाँ 20 हो गया, तो 20 फैक्टर ऑफ 50, तो 20 नंबर जो है 20, 50 कटने वाला नहीं है, फैक्टर ऑफ 50 नहीं है ये, तो 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20, तो 20 जो है वो फैक्टर ऑफ 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद 25 जो है वो फैक्टर ऑफ 50 या फिर मल्टीपल ऑफ 70, तो 70 का टेबल चलेगा, तो यह 25 तो आने वाला है नहीं, 70 से ज़्यादा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये 25 फैक्टर ऑफ 50, तो 25 से 50 कट जाएगा, तो फैक्टर 50 का फैक्टर हो गया 25, तो ये हो जाएगा 5 नंबर, यहाँ पे दे देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से ये मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, 35 जाएगा बी नंबर पे, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 7, और ये 15 जाएगा 15, तो फैक्टर ऑफ 30 ये हो गया, और 16 मल्टीपल ऑफ 8, और ये 20 जो है यहाँ पे फैक्टर ऑफ 20, और 25 फैक्टर ऑफ 50, इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 तक, 100 तक का यहाँ पे इसका मल्टीपल लेना है, मतलब टेबल लिखना है, तो इसका यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं यहाँ पे, और लिखना है मल्टीपल ऑफ 9, 100 तक मतलब 100 से नीचे या 100 तक भी ले सकते हैं, ऑफ 9, तो क्या हो जाएगा, 9 का टेबल लिखते हैं, तो 100 से नीचे लिखेंगे, तो टेबल को पूरा लिख लेते हैं। जनरली हम लोग किसी का टेबल जो है 10 तक जाते हैं, 9 10 जा 90 हो गया, इसके बाद आगे अगर हम जाते हैं तो इसमें 9 ऐड करेंगे, तो 90 और 9 99 हो गया, और इसके आगे अगर हम जाते हैं तो 1 हो गया, और 8 तो 108 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, तो 100 तक में यहीं तक हम लोग को जाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी तरह का आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, इसमें जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें इसी तरह का कई सारे वीडियो मिलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।